कानपुर में डीसीपी वेस्ट स्वॉट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस की भोर के वक्त लुटेरों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने जावेद नाम के एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसका साथी राहुल गौतम अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने महज 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट BBGTS मूर्ति ने बताया कि जावेद के गैंग में 5 सदस्य हैं। ये सभी पहले रेकी करते हैं, फिर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके पास कैश मौजूद होता है। इन लुटेरों ने 3 दिन पहले शराब ठेके के कैशियर से 2,36,000 की लूट की थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस ने 60,000 रुपए नकद बरामद किए हैं, साथ ही तमंचा, बाइक और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस अब गैंग के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए, 13 तारीख रात को करीब 10:30 बजे नवाबगंज क्षेत्र में जो शराब दुकान के सेल्समैन हैं उनसे जो लूट की घटना हुई थी, उस घटना में आपको विदित है कि सुबह एक सटीक मुखबिर की सटीक सूचना पर हमारे एक शातिर उसी एक लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसके संबंध में वो घायल हुआ और उसका इलाज चल रहा है, और उसका जो साथी इसका जो घायल हुआ उसका नाम है जावेद उर्फ कलवा उर्फ समीर, और उनका साथी जो है उस समय पे जो अंधेरे का जो फ़ायदा उठाते हुए भागा है। उसके बाद कुछ इनपुट के उपरांत हम लोगों ने करीब 2-3 घंटे के बाद उसको भी पकड़ लिया। उसका नाम है राहुल गौतम, और इनसे एक आदत बाइक, राहुल गौतम जो बाद में पकड़ा गया, एक आदत बाइक और 10,000 रुपये बरामद हुई है। और सुबह जो मुठभेड़ के समय जो पकड़ा गया, मतलब समय पे जो मिला था मौके पर, आपको विदित है कि एक मॉडिफाइड बाइक, एक थमंचा, एक मिस्ड कारतूस, एक कोका और एक बैग मिली थी जो लूटा गया बैग है, उसमें करीब कुछ कागजात भी मिले हैं और 50,000 रुपये बरामद भी हुए हैं।